जावा डाउनलोड होने के बाद का हम लोग आ रहे हैं, तो साइड पे जाने के बाद इस पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी जैसे ही मेरा यहाँ पे कॉपी हो गया, यहाँ पे टूल बार से टूल्स में जाओ, इंटरनेट ऑप्शंस टूल में जाके इंटरनेट ऑप्शंस, सेकंड नंबर टैब सिक्योरिटी, उसके बाद हमने को यहाँ पे जाना है ट्रस्टेड साइट, फिर साइट्स, ट्रस्टेड साइट्स के बाद साइट्स, साइट्स में जाने के बाद जो मेरा वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट यहाँ पे शॉर्टकट से ही लेगा, यहाँ पे राइट क्लिक अलाउड नहीं, यहाँ पर भी राइट क्लिक है नहीं, तो बहुत जगह पे राइट क्लिक अलाउड नहीं होता, तो यहाँ पे आप पेस्ट करके ऐड कर दो। ये मेरा ऑलरेडी एडेड है इसलिए मुझे ऐसा बोल रहा है, नहीं तो मेरा यहाँ पे ऐड हो जाता। जैसे ऐड हो जाता इसको आप सबसे पहला क्लोज कर देंगे ट्रस्टेड साइट्स को। उसके बाद हमने और एक बताया था यहाँ पे एडवांस में, एडवांस में जाके स्क्रॉल को एकदम नीचे करेंगे और यहाँ पे SSL 3.0 और 2.0 ऐसा दिखेगा और TLS का ये सभी दिखेगा। तो TLS में आपको कुछ नहीं करना है, TLS में जितने भी रहेंगे सबको ये टिक मार्क रहेगा। SSL के 2.0 रहा तो उसको टिक मार्क आपको नहीं करना है, SSL के सिर्फ 3.0 को ही आपको टिक करना है, 2.0 को टिक नहीं करना है। सर, होने के बाद इसको आप लोग ओके कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे सर, एक मिनट मैडम, तो आपका यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसे हम लोगों ने आपको बताया था यहाँ पे हम जावा खोलेंगे, जावा में जाके कॉन्फ़िगर जावा, मैं आपको स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। हाँ मैडम कुछ बोल रहे था, मैडम आप कुछ बोल रहे थे, आपकी वॉइस नहीं आ रही मैडम, आप म्यूट निकालिए, शायद आप म्यूट किए हुए मैडम। हेलो, हाँ मैडम बोलिए। हाँ मैं अभी कनेक्ट हुई हूँ, मुझे आप क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। हम अभी कल का ही क्लास को रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा सेटिंग का पार्ट। तो कल हम लोगों ने जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का सेटिंग किया था उसको आज, और जावा का जो सेटिंग है उसको हम लोग आज रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे मैं महा टेंडर ओपन करूँ क्या? क्या बोले मैडम? मैं महा टेंडर ओपन करूँ क्या फिर? नहीं, महा टेंडर आपको ओपन नहीं करना है मैडम। आपने कल सेटिंग, आपने जो सेटिंग किया था अभी, आपको यदि हमारे साथ प्रैक्टिस करना है तो आप जावा का कंट्रोल पैनल खोलिए। कल मैंने आपको बताया था जावा खोलने के लिए, जावा का, जब आप विंडोज पे जाके जावा सर्च करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगर जावा बोल के आएगा, या फिर हमने वो दूसरा भी बताया था कि आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल के थ्रू से भी जा सकते हैं। मैं आपको दूसरा भी तरीका बताता हूँ, यहाँ पे आपको विंडोज में डाल देना है कंट्रोल पैनल, तो आपको ये कंट्रोल पैनल दिखेगा। कंट्रोल पैनल जैसे ही दिखेगा तो आपको कंट्रोल पैनल इस तरीके से खुल जाता है, यहाँ पर भी आपको जावा दिखेगा, देखिए जैसे जावा है। तो जावा जब दिखेगा तो जावा में हम जाएंगे, यहाँ से भी हम जावा खोल सकते हैं। तो जावा में जब जाएंगे तो हमने यहाँ पे सबसे पहला बताया था कि अबाउट में जाके इसका वर्जन चेक करेंगे, तो वर्जन कौन सा है, तो वर्जन 8 अपडेट 161 है कि नहीं, सबसे पहला ये वर्जन 8 अपडेट 161 है कि नहीं? वर्जन 161 नहीं है, 251 है। नहीं मैडम, फिर आपने इंस्टॉलेशन कहाँ से किया? मैंने जो बताया था वहीं से डाउनलोड करके किया आपने, उसको क्लोज कीजिए मैडम। अभी दूसरा मैं आपको बताता हूँ, सेकंड नंबर ऑप्शन जावा पे आप क्लिक कीजिए, सेकंड नंबर ऑप्शन जावा पे आपने किया मैडम क्लिक? नहीं, एक मिनट, सेकंड नंबर वहीं पर जनरल के बाद, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे जावा बंद कर रहा हूँ, सेकंड नंबर टैब मैडम ऊपर में ही जनरल के बाद जावा का टैब, यहाँ पे आप व्यू कीजिए, व्यू व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे दो दिख रहा है या सिंगल दिख रहा है? यहाँ पे आपको दो वर्जन दिख रहा है या सिंगल दिख रहा है? दो दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, मतलब आपके पास पहले से जावा था और आपने
बाद में और एक बार इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। आपका ये है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं उसका भी आपको तरीका बता देता हूँ। पहले ये हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर टैब सिक्योरिटी पे जाएंगे। सिक्योरिटी पे जाने के बाद यहाँ पे ये जो है एनेबल जावा कंटेंट फॉर ब्राउजर एंड वेब स्टार्ट एप्लीकेशन, ये जो है ये टैब में टिक मार्क है कि नहीं, पहले हम लोग ये चेक करेंगे जो ये टैब में टिक मार्क है कि नहीं। यदि टिक यहाँ पे टिक मार्क होना चाहिए, मैंडेटरी है। यदि आप लोगों ने कल नोट डाउन नहीं किया है तो अभी ये फिर से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आपको ये टिक मार्क होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल है ये वेरी हाई नहीं होके सिर्फ हाई रहेगा, सिक्योरिटी लेवल हाई रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे एडवांस एडिट साइट लिस्ट में जाएंगे, एडिट साइट लिस्ट। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड का बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड पे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो नया एक रो मुझे मिलेगा, ऐसा रो पे सिंगल क्लिक करना है, रो पे सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे शॉर्टकट की से मुझे पेस्ट करना है, क्योंकि मैंने अभी कॉपी करके रखा था मार्टेंडर्स का साइट। तो मेरा यहाँ पे जैसे ही मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया, इसको मैं ओके कर दूंगा, ओके कर दूंगा तो मुझे ये जो लिस्ट है ये लिस्ट में मार्टेंडर्स का देखिए मुझे दिखने लगा, तो आप लोगों को भी ऐसा ही दिखने लगेगा। ये आपका जावा का एक बेसिक सेटअप हुआ। इसके बाद हमारा लास्ट का टैब है एडवांस का। एडवांस के टैब में जैसे मैंने कल बताया था कि सबसे नीचे जाएंगे और SSL 2.0 को अनटिक रखना है और TLS और SSL के बाकी सभी को मुझे यहाँ पे टिक मार्क रखना है। TLS और SSL में SSL 2.0 को ही सिर्फ अनचेक रखना है, TLS के सब टिक मार्क रहेंगे और SSL के भी सभी टिक मार्क रहेंगे, सिर्फ SSL के 2.0 को छोड़कर। ये सेटिंग है। बोलिए अभी किसी को और कुछ डाउट्स है इसमें? सर वो उसमें सर्च कैसा करना है विंडोज में, क्या शॉर्टकट की बोले थे अपने, कंट्रोल और? नहीं नहीं कहाँ पे वो सर्च के लिए क्या? हाँ विंडोज, विंडोज प्लस क्यू, विंडोज प्लस क्यू, क्यू फॉर क्वीन। तो विंडोज प्लस क्यू दबाएंगे तो आपको एक सर्च बॉक्स मिल जाएगा, कोई भी विंडोज का बटन होने दीजिए, विंडोज बटन प्लस क्यू का बटन दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों को चाहे तो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको गूगल पे भी दिखाता हूँ कैसा, जैसे मैडम को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं मैडम को गूगल पे भी दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे गूगल कुछ भी रहा तो आप गूगल से पूछ सकते हैं हर चीज, ये आपको बता देगा। ऐसा विंडोज प्लस क्यू, विंडोज और क्यू, ये हो गया। इसका इमेज कैसा दिखेगा देखिए, इमेज में देखिए, इमेज में आपको पता चल जाएगा विंडोज प्लस क्यू कौन सा बटन दबाना है। देखिए ये बटन और ये बटन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ये पिक्चर में, मैडम आपको दिख रहा है क्या ये बटन और ये बटन? हाँ दिख रहा है। ये बटन दबाएंगे तो आपका सर्च बॉक्स खुल जाएगा, वहां पे आपको सब चीज मिल जाएगा जो आपको डालना है, आपको हर कोई भी चीज ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी को कुछ है क्वेरी कल के क्लास का? हेलो बोलिए सर, कल का कुछ क्वेरी है? हाँ, क्या? हाँ हाँ अभी सिर्फ वो सिक्योरिटी में जो अपन एडिट किया ना, हाँ तो उसको उसके अंदर आपने जो कैसा किया हो थोड़ा बताओ। सिक्योरिटी में पहला तो यहाँ पे अनेबल जावा कंटेंट फॉर ब्राउजर को टिक करेंगे, बराबर। उसके बाद यहाँ पे एडिट साइट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, किया हो गया। स्क्रॉल यदि है आपके पास स्क्रॉल को डाउन कर दीजिए, यहाँ पे ऐड का बटन पे क्लिक कीजिए और फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल को डाउन कीजिए यहाँ से एरो से, और फिर यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा सिलेक्ट हो जाएगा तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। यदि ऐसे कर देंगे तो आपको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे इसको बीचों बीच क्लिक करना है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे
ओके okay. आपने यहाँ पे साइड में क्लिक नहीं करना है, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे ऐसा कर्सर ब्लिंक हो रहा है हमारा, जैसा कर्सर ब्लिंक होगा तभी शॉर्टकट से पेस्ट करना है। शॉर्टकट से पेस्ट कौन सा करने को? कंट्रोल वी, जो हम लोग जो साइड से आप टेंडर भर रहे हैं वही साइड का टेंडर का साइड। इसलिए साइड खोल लीजिए और इसको पहले कॉपी कर लेने का, ये जो साइट है इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से। ओके ओके, कंट्रोल एस ना अपना कॉपी का, कंट्रोल वी पेस्ट का शॉर्टकट, कंट्रोल वी। ओके कंट्रोल प्लस वी ऐसा, ये पेस्ट का है। ओके का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी। ओके तो उसके अंदर आके उसको पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ इसको पेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे तो वो साइड उधर पेस्ट हो जाएगा। ओके पेस्ट के लिए कौन सा? कंट्रोल प्लस वी, नहीं कॉपी किया वी से ना, सी से, सी से कॉपी, सी से नहीं, मैंने अपना मार्टेंडर का कंट्रोल प्लस वी किया। नहीं नहीं वी से नहीं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी। ओके सॉरी, और वी से पेस्ट। एक मिनट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी हुआ। ओके और ये अभी जावा में जाके उसको मैं कंट्रोल प्लस वी। ओके आया सर, आ गया अभी उधर पेस्ट, जैसे हाँ। हो गया उसको ओके कर दीजिए, आपका जावा का सेटिंग हो जाएगा। हुआ, अभी उसको भी ओके करो। हाँ ओके कर, और कुछ है जैसे सर जैसे तुम्हारे जो एड में बहुत ऑप्शन थे देखो, वैसे मेरे में सिर्फ एक ही था जिसमें अपन जो कॉपी पेस्ट किया ना अंदर। हाँ सर आपको एक, अभी आपने नया नया चालू किया तो आपको एक ही होगा, जैसे आप टेंडर okay. भरना जाएंगे अलग अलग साइट का, अलग अलग साइट खोलेंगे ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे ऐड होता जाएगा धीरे धीरे। ओके ओके, आपने अभी जावा इंस्टॉल किया ना इसलिए आपको एक दिख रहा है। कल वही नहीं हो रहा था मेरा। हाँ चलो हुआ हुआ सर। सर हेलो, हेलो सर, स्किप कर दो आज सर, मेरे डेस्कटॉप पे मार्टेंडर ओपन नहीं हो रहा सर। क्या बोले? मेरे डेस्कटॉप पे मार्टेंडर ओपन नहीं हो रहा सर। मार्टेंडर ओपन नहीं हो रहा है? तो आपके पास एनीडेक्स है मैडम? कल मैंने डाउनलोड करने बोला था। हाँ है। एनीडेक्स का आईडी दीजिए, सबको दिख जाएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके वजह से नहीं हो रहा है। आप एनीडेक्स खोलिए और एनीडेक्स का मुझे आईडी दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? मैं आप लोगों को देखो, महाटेंडर यदि ओपन नहीं होगा तो क्या रीजन हो सकता है, ये भी आप लोगों को सबको पता चल जाएगा। अभी चलिए मैडम आईडी बोलिए। हाँ दिक्कत है इधर देखिए, मेरा मैडम मेरा सिस्टम दिख रहा है तो यहाँ का आईडी आपको बताना है, ये आईडी। दिख रहा है क्या सर? नहीं नहीं मुझे नहीं दिखेगा, आपको ही, मेरा स्क्रीन ही आपको दिखेगा। आप बताइए आईडी बताएंगे तो दिखेगा मुझे। 72 72 मैडम बताइए। 27 72 27 नहीं नहीं 721 हाँ सर जी ले लो 7212732921273 हाँ 292 बराबर है 292 बराबर है ना? बराबर है। हाँ बराबर है।
देखो मैडम, आपको एक स्क्रीन आएगा, वहां पे एक्सेप्ट का बटन आएगा, उसको एक्सेप्ट करना है आपको। मैडम एक्सेप्ट कर लिया। हाँ सभी लोग देखिए, जब ये प्रॉब्लम बहुत टाइम पे आता है, ये प्रॉब्लम आने के पीछे का रीजन क्या है, ये भी एक अच्छा है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि महा टेंडर्स का साइट खोला तो खुलेगा ही नहीं, तो ऐसे प्रॉब्लम आया तो आप क्या करेंगे। और सबके पीसी में एनीडेक्स का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यदि कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं एनीडेक्स से सबको दिखा सकता हूँ। इस तरीके से आपका सबका होना चाहिए सिस्टम, ताकि आपका एक का प्रॉब्लम सबको पता चले, जो ये प्रॉब्लम आने से इसका सॉल्यूशन क्या है। बराबर है। मैडम यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक कीजिए आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ये वाला जो आपने खोला है ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर का, उस पर क्लिक कीजिए। नहीं मैडम, आपने साइड भी ऐड नहीं किया है यहाँ पे। नहीं किया मैडम साइड ऐड। ठीक है चलो मैडम, पहले आप यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलिए। हाँ ठीक है, अभी खोलिए यहाँ पे महा टेंडर्स का साइट खोलिए। महा लिखिए यहाँ पे mahatenders.gov.in। मैडम आपका साइट खोलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैडम सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो साइट खोलिए ना मैडम। मैडम साइट खोलिए, यहाँ पे साइट खोलिए, महा टेंडर्स का साइट खोल के दिखाइए मुझे। क्या हो रहा है मैडम, आपका प्रॉब्लम आ रहा है क्या कुछ? नहीं। फिर साइट खोलिए ना मैडम। ये हो गया है क्या, डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? नहीं नहीं खोलना ना, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ भी। एक मिनट, आपका इंटरनेट स्लो है क्या? थोड़ा स्लो है, रेंज का प्रॉब्लम है। हाँ मैंने कनेक्शन के लिए फिर से भेजा है, आपका कनेक्टिव कनेक्टिंग होता है तो फिर आप मुझे बताइए। नहीं नहीं आया नहीं है मेरे पास अभी, ये हो रहा है। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा ना मैडम? हाँ दिख रहा है। हाँ वही,
तो अभी यहाँ पे कनेक्टिंग ही चालू है, रिट्राई। आपका कनेक्शन का इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है। हाँ रेंज पे चल। हाँ मेरे पास यहाँ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। सर उनका नेटवर्क बहुत वीक है, बहुत ही वीक लग रहा है। हाँ मैडम थोड़ा सा इंटरनेट आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग ही नहीं हो रहा है मेरा। हाँ आया है, चलिए बहुत ही स्लो चल रहा है मैडम आपका। ठीक है, काम करते हैं मैडम, अभी बहुत ही आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसको हम लोग यहीं पर स्किप करते हैं, बाद में हमारा आज का सेशन खत्म होने के बाद हम देखेंगे इसके ऊपर। मैं इसको कैंसिल करता हूं, क्योंकि नहीं हो रहा है मैडम का इंटरनेट, बहुत स्लो है, जिसकी वजह से मुझे कनेक्टिविटी ही नहीं मिल पा रहा है। तो आज का सेशन खत्म होने के बाद चाहे तो हम लोग कोशिश करेंगे उसके ऊपर, जो कैसे उनका यदि टाइम रहा तो फिर हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का देखेंगे। तो आज का नया सेट हम लोग चालू करते हैं। पहला अपना यदि इंक्वायरी का तो था, जो भी आपकी क्वेरी होंगी हम लोग पहले हर डे हम लोग फर्स्ट हाफ में इसी के ऊपर काम करेंगे। जो भी आपके पहले डे की क्वेरी है वो फर्स्ट पहला 15 से 13 मिनट 30 मिनट्स में पहले वो सभी क्वेरी आपके क्लियर हो जाएगी। सेकंड हमारा हम लोग आज देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट है अपने पास, जो हम लोग टेंडर को सर्च कैसे करते हैं। तो टेंडर को जो सर्च कैसे करते हैं, टेंडर सर्च करने के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है। यदि टेंडर सर्च करने के लिए, जैसे कि आप लोग जब भी सर्च करते हैं, मैक्सिमम जो सर्च होता है यहाँ से होता है टेंडर सर्च, यहाँ पे आप डाल देते हैं। जैसे हमारे पास कल बताया था कोई बीड का बंदा है, तो बीड हमने डाल दिया और उसको सर्च कर दिया, तो मुझे उनको बीड का टेंडर देखना है, तो बीड का टेंडर यहाँ से वो सर्च करना चालू कर देते हैं, जो मुझे बीड का टेंडर दिखा दो। स्टेट वाइज की डिस्ट्रिक्ट वाइज है अपना, सॉरी तालुका वाइज की कैसा? नहीं तालुका वाइज वगैरह नहीं आता सर, मैं आपको ही दिखा रहा हूँ अभी आज। ये देखिए यहाँ पे जो भी बीड के टेंडर्स है, आपको वहाँ पे बीड के टेंडर आपको दिखना चालू हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये एक सर्च का सबसे इजी प्रोसेस है, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज सर्च करना है तो तालुका वाइज सर्च कर सकते हैं, जो भी आपके हैं वहाँ पे आप उस लोकेशन वाइज आप टेंडर को सर्च कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सभी टेंडर्स आपको नहीं मिल सकते। देखिए मैं आपको यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, पूरे बीड में टेंडर कितना है यहाँ पे एज ए, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली 63 टेंडर पूरे बीड में बता रहा है ये। पर देखिए कि एक्चुअल में बीड में इतना ही टेंडर है। अभी हम लोग यदि टेंडर को थोड़ा सा अलग तरीके से सर्च करके देखते हैं, टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन, टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आरडीडी, जो जेडपी को बोलते हैं आरडीडी। तो आरडीडी आरडीडी सीईओ बीड, तो आरडीडी सीईओ बीड का कितना टेंडर है वो देखेंगे पहले, 79 टेंडर यहाँ पे मुझे आरडीडी। हेलो सर, एक हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलिए सर, एक बार फिर से थोड़ा बैक हो गया मेरा, अभी कनेक्शन फिर से चालू हुआ ना, मेरे को थोड़ा समझ में आएगा, और आपने जो जिधर से सर्च किया उधर से चालू करना जरा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बता देते हैं सर्च में जो टेंडर सर्च कैसे करते हैं। तो हम लोग का सबसे हम लोग कॉमन ओके कॉमन प्रैक्टिस में हमारे पास सबसे जो कॉमन प्रैक्टिस होता है, हम अपने अकॉर्डिंगली टेंडर को सर्च कर देते हैं कि लोकेशन वाइज पुणे, यहाँ से हम लोग सर्च कर दिए ओके। तो पुणे का जैसे टेंडर हम लोगों ने यहाँ पे सर्च कर दिया, तो मुझे यहाँ पे पुणे का पूरा टेंडर दिखा, यहाँ पे सबसे लास्ट में जाते हैं तो पूरा पुणे का टेंडर कितना है। तो पूरे टेंडर पुणे पूरे पूरे पुणे में लोकेशन वाइज जैसे हम सर्च कर रहे हैं, तो अपने को पूरे पुणे में कितना टेंडर मिल रहा है, 127। पर लगता है क्या पुणे में, पूरे पुणे में 127 ही टेंडर है?
नहीं हो सकता। पूरे पुणे में अप्रोक्सीमेटली 1500 प्लस टेंडर होने चाहिए। तो हमको कैसे पता चलेगा, जो हम इतने सारे टेंडर है तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से सर्च करते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से सर्च जैसे करते हैं, तो टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन वाइज सर्च करते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइज, तो अपने को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर डी डी सीईओ पुणे। पहला तो सबसे यही जो है ये जेडपी बोलते हैं, ये जो डिपार्टमेंट है ये जेडपी का। तो जेडपी में कितना है पुणे में टेंडर, 102 टेंडर सिर्फ जेडपी में। इसके बाद आते हैं हमारा टोटल टेंडर कितना था वहां पे, 121, उसमें से 102 टेंडर खाली जेडपी अकेला है, ऊपर से पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे बोल के आता है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके 52 टेंडर है। मतलब 121 वो 102 प्लस 52, यही जो टेंडर था सर्च करने का, हमारा जो लोकेशन वाइज सर्च करने का था, और यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है उससे ज्यादा टेंडर अभी ही मिल गया। इसके बाद भी पुणे का बहुत सारा है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हमने डिपार्टमेंट नहीं लिया, और भी जो वाटर रिसोर्सेस का डिपार्टमेंट है वो नहीं लिया, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो हम लोगों ने अभी लिया ही नहीं, और उसका टेंडर भी पुणे लोकेशन को पार कर जाता है। तो हमारा क्या कंसर्न है कि आप जब सर्च करो तो सिर्फ यहीं पर सर्च करके मत छोड़ दो। ये एक अच्छा तरीका है सर्च करने का, जो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो टेंडर को, और अपना टेंडर को आपको मिल सकता है। पर जरूरी नहीं ये टेंडर यहीं पर आपको नहीं मिला तो वो टेंडर नहीं है। टेंडर आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है, अलग आपको, इसलिए मल्टीपल वे से आपको सर्च करना पड़ेगा टेंडर। तो हमारा जो टेंडर सभी जगह मिलेगा वो टेंडर है टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट वाइज टेंडर हर जगह पे हर टेंडर आपको मिल सकता है। हाँ बोलिए। हाँ वही वही टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन जो आपने किया उसके बाद उसको क्या सर्च करना पड़ता है? नहीं, टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके टेंडर आपको मिल जाएगा। अभी आपको किसका टेंडर देखना है, यदि आपको हमारा बीड का टेंडर देखना है, आरडीडी सीईओ बीड, मतलब जेडपी के बीड का टेंडर देखना है, तो 15 टेंडर है। मैं ये 15-15 के नंबर पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे पूरा 15 का 15 टेंडर दिख जाएगा। अभी जेडपी में, जेडपी के बीड में इतना ही टेंडर है, इससे ज्यादा टेंडर नहीं है। ओके। तो कॉर्पोरेशन का देखना है इसी तरह का, कॉर्पोरेशन वगैरह का आपको सबका टेंडर आपको इसी तरीके से सर्च करके आपको देखना पड़ेगा। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक टेंडर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अभी यहाँ पे जैसे हम लोग यदि बोलेंगे, बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका टेंडर कितना है, 846 टेंडर है। अभी ये डिपार्टमेंट का आपको टेंडर यदि सर्च करना है तो आप बोलेंगे सर अभी 846 टेंडर में मैं अपना टेंडर कैसे ढूंढूं, तो ये आपके लिए एक टफ जॉब हो जाता है। तो इसको आप थोड़ा और फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन दिया गया है सर्च का, सर्च का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। सर्च में दो टाइप के टेंडर से, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ओपन। अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाइज हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। अभी डायरेक्टरी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा था, जो डायरेक्टरी था म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने सर्च कर दिया। अभी इसका मुझे इसका इंफॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए, जो बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे होना चाहिए। अभी इसके नीचे इसका सब जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट का टेंडर है, यदि मुझे पता है मुझे पुणे का है तो मैं पुणे बोल के फिल्टर कर लूंगा। अभी यहाँ पे जो 830 टेंडर था वो टेंडर थोड़ा कम हो जाएगा। टेंडर कैटेगरी वो किसका है, गुड्स का है, वर्क का है, सर्विसेज का है, तो वर्क का टेंडर है। मुझे काम का टेंडर बनना है, वर्क का और सर्विसेज का नहीं बनना। एटलीस्ट मेरे पास यदि इतना भी इंफॉर्मेशन है तो भी हमें वो बहुत सारा टेंडर फिल्टर कर देगा। 4-3 और इसको मैं सर्च कर देता हूँ। अभी मैंने जहां पे 846 टेंडर थे वहां पे सिर्फ 12 टेंडर आ गए, तो मुझे मेरा टेंडर सर्च करने के लिए शॉर्टेस्ट वे मुझे मिल गया। पर जितना आप शॉर्टेस्ट वे ढूंढेंगे उतने टेंडर के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यदि आपके पास टेंडर का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस तरीके से टेंडर को सर्च कभी नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन में जाइए और वहां से हर एक टेंडर को प्रॉपर वे से रीड। और एक तरीका है टेंडर नहीं मिलने का, टेंडर नहीं मिलने का आपको और एक तरीका बताता हूँ। क्या करते हैं, मैं जब टेंडर फ्लैश करता हूँ, मैं भी खुद टेंडर को पब्लिश करता हूँ, पर मेरे पास जब आता है टेंडर पब्लिश करने के लिए लोग, तो हमें क्या बताया जाता है
कि सर ये टेंडर कोई भी आदमी नहीं भर पाए, जो टेंडर मैं दूंगा मेरे ही सरपंच आया और मुझे बताया ये मेरे 3 लोग है, यही लोग को आपको टेंडर भरना है, दूसरा चौथा कॉम्पिटिटर नहीं आना चाहिए। तो आपको मैं किस तरीके से बीट करना चाहता हूं मैं उसके बारे में अलग अलग तरीके से, तो मैं आपको दिखाता हूं उस तरीके का एक टेंडर जो आप लोग टेंडर देख के भी टेंडर को छोड़ देते हैं, जो ऐसा टेंडर होता ही नहीं है। अभी यहाँ पे अभी ये टेंडर को पढ़ेंगे, यहाँ पे जैसे ही आया कंस्ट्रक्शन तो आपको गटर का काम करना है, तो आप ये टेंडर को खोल के रीड करेंगे जो सर ये टेंडर है क्या, ये टेंडर को आपको भरना है तो आप भरेंगे। पर कुछ टेंडर ऐसा रहेगा जिसको आप देखेंगे ही नहीं है। मैं वैसी तरीके का टेंडर बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ ऐसा। ये सबसे ज्यादा हमको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा बीड में, बीड में सबसे ज्यादा होता है ऐसा, तो बीड में कम भी टेंडर है और अपने को मिलेगा ही मिलेगा, यह एक टेंडर मिल ही जाता है बीड में, इसलिए हम देखते हैं। हाँ देखिए मिल ही गया, 2 टेंडर है। अब ये टेंडर कितने लोग खोल के देखेंगे मुझे बताओ, सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ये टेंडर को आपका, ये टेंडर किसका है और ये टेंडर आपको ऐसा मिला तो कौन भरने वाले हैं? उसको ओपन करने के बाद नहीं रहेगा? हाँ ओपन करने के बाद रहेगा, पर ये टेंडर ओपन ही नहीं करते आप लोग, क्योंकि ये कष्ट ये दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिखता ही नहीं है जो काम किसका है। जैसे अभी ये इंटरनल सीमेंट रोड का है तो आप ये तुरंत खोल के देखेंगे आपको सीमेंट रोड का काम करना है तो, पर ये टेंडर आप खोल के नहीं देख, ये टेंडर अभी ये रोड का भी काम हो सकता है, आंगनबाड़ी का भी काम हो सकता है, दूसरा भी काम हो सकता है, तो हम ये टेंडर को खोल के देखते हैं। है टेंडर किसका मुझे इसके अंदर से पता चलेगा।